दोस्तों जय हिंद। वाईफाई स्टडी शौर्य में आपका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम करेंगे नर्वस सिस्टम इन वन शॉट। एक ही शॉट में पूरा नर्वस सिस्टम आज के सेशन में हम करने वाले हैं। चीजों को देखेंगे एंड देन चीजों को समझने वाले देन उससे पहले कुछ बातें अपने बारे में, कुछ बातें अपने अकेडमी के बारे में, देन एज यूजुअल बेटा हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, चीजों को शुरू करते हैं। तो नाउ दिस इज गौरव सिंह एंड आई हैव मोर देन 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। So I qualified NDA, CDS and UPSC Civil Services. So I have been interested in teaching even more than 1000 plus selection BS government exams. So I teach science on this platform. Okay. Now, you all are crack NDA Air Force XMY Navy with India's largest platform. So you get the plus subscription as well as internet courses from India's best educators, so all you get the plus subscription using this code GS01. ठीक है, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, चलो बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं। बढ़िया हूँ बेटा, सोनू कुमार, महेंद्र कुमार, अंजलि लोधी, बढ़िया हूँ। कैसे हो आप लोग, कैसे हो बेटा, कैसे हो? चलो तो कुछ पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर सेशन को स्टार्ट करता हूँ। व्हाट यू विल गेट, आपके यहाँ क्या मिलता है? आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस, अनलिमिटेड एसेस, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप की बात करें तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जो आप इंस्टॉल करें, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, है ना। यू मस्ट ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म। कुणाल तोमर, क्या हाल है भाई? लाइव क्लासेस की बात करें बेटा, तो यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे भी, इसी
स्पेशल क्लासेस भी चलते हैं एप्लीकेशन एंड अकेडमी एप्लीकेशन पर, है ना। और मोर देन 1400 कोर्सेज फॉर एनडी एयरफोर्स सेक्शन बाय नेवी अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो ऑल यू गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन यूजिंग दिस कोड GS01। अगर आप में से किसी में से किसी ने भी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो ले सकते हैं, GS01 कोड का इस्तेमाल करके ले सकते हैं बेटा, ठीक है। और मेरा जो फ्री कंटेंट है अनअकैडमी ऐप पर जो मेरा फ्री कंटेंट है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, यूजिंग दिस कोड GS01 कोड का इस्तेमाल करके। बढ़िया हूँ बेटा, कुणाल में बहुत ही बढ़िया हूँ, मौज में हूँ। आप बताओ कैसे हो। जो अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस चलती हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू मस्ट ज्वाइन दीज क्लासेस, है ना। अगर हम बात करें अनअकैडमी की, उसको आप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, लॉग इन करके फोन को सेलेक्ट करना है, मेन्यू बटन पर जाएंगे एंड देन सेलेक्ट द प्लस, लेबल टेस्ट पे जाके जो भी बॉटम ऑफ स्क्रीन पर है, तो इन सबको जाकर आप इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप की बात करूँ तो वाईफाई स्टडी शौर्य इज द टेलीग्राम चैनल, सो यू मस्ट ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म। आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करें, चीज़ों को देखें और समझें, ठीक है बेटा। एनडीए एयरफोर्स सेक्शन वाई नेवी के सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन वो 10,560 रुपये का है। ये प्लस सब्सक्रिप्शन की बात हम करें अनअकैडमी प्लस की बात करें, 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 800 रुपये का है। लेकिन अगर आप इस पे कोड अप्लाई करते हैं मेरा GS01, है ना, ये कोड अप्लाई करते हैं इन पे मेरा, तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है मतलब जो भी फीस है उस पे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, और 2 साल की फीस होती है 9,504 और 1 साल की फीस होती है 7,920। ये आप कर सकते हैं बेटा, इस कोड को आप अनअकैडमी प्लस के किसी भी सब्सक्रिप्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नाउ अब हम बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक आज का है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ते क्या है, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं बेटा ब्रेन के बारे में। बेसिकली यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपने ब्रेन के बारे में, अपने मस्तिष्क के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मस्तिष्क के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैसे कैसे डिवाइडेड है, तो उन चीजों को जरा हम समझ लेते हैं। जनरली नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। CNS जो होता है वो डिसीजन लेता है, CNS जो है वो क्या करता है, डिसीजन लेने का काम जो है वो CNS है, है ना, ये क्या करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। CNS के अंदर 2 चीजें आती हैं बेटा, एक तो आता है ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड, ये डिसीजन लेने का काम करता है। PNS जो है, PNS जो भी डिसीजन लिया गया है, जो भी डिसीजन लिया गया है उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करता है कहां पर, इन द बॉडी, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर उसको ट्रांसमिट करता है, उसको भेजता है, ठीक है। जो भी डिसीजन लिया गया है उसको बॉडी के अंदर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। नाउ अगर हम बात करें, द वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द होल बॉडी नर्व्स, मोटर न्यूरॉन पाथवे आर द टू टाइप्स, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। तो ऑटोनॉमिक सिस्टम इज सब डिवाइडेड टू द सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक, ठीक है, जो पीछे पेज में बताया था वही यहाँ पर चीजें लिखी हुई है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले मैं आपको CNS पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अभी मैंने बताया कि CNS के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो होती है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन के बारे में। तो हमारे ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है ये उसे हम कहते हैं मिनिंग्स। मिनिंग्स इज द व्हाट, मिनिंग्स इज द आउटर लेयर ऑफ ब्रेन, आउटर लेयर ऑफ ब्रेन।
In between the skull and brain are the three layers of tissue called meninges. They protect the brain. ये मस्तिष्क को protect करता है. The strong and the outermost layer whose name is the dura mater. The middle layer and the arachnoid mater and the thin membrane made of blood vessels and the elastic tissue. तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को हमें मिलती है. ठीक है, मीनिंग्स क्या होती है? मीनिंग्स आर द मीनिंग्स जैसे आप देखें तो सबसे ऊपर क्या है, स्किन है जिसपे हमारे बाल हैं. स्किन के बाद पीरियोसेटम है मतलब खोपड़ी है, फिर बोन है, फिर हड्डी है. हड्डी के नीचे ड्यूरा मैटर है, आर्कनॉइड है, पायामैटर है. अब देखो जो मीनिंग्स होता है, जो मीनिंग्स होता है वो इन तीन लेयर को मिलाकर बनता है. मीनिंग्स जो होता है बेटा वो इन तीन लेयर को मिलाकर बनता है, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड एंड पायामैटर. ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड एंड पायामैटर. ठीक है, ड्यूरा ड्यूरा मैटर जो होता है आउटर लेयर लाइनिंग स्कल, जो सबसे बाहरी कवच होता है, आउटर लेयर होता है, ड्यूरा मैटर कहते हैं. आर्कनॉइड कंटेन्स द ब्लड वेसल्स. आर्कनॉइड जो है इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं. सब आर्कनॉइड स्पेस है ना. देखो भाई एक और चीज बता देता हूँ, वैसे मीनिंग्स जो होता है कुछ इस तरीके से होता है. सबसे ऊपर वाला ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड एंड पायामैटर, और ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड और पायामैटर के बीचों बीच इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, एक द्रव्य भरा होता है. एक लिक्विड और द्रव्य भरा होता है. इस लिक्विड और द्रव्य का नाम है सीएसएफ. जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रो स्पाइनल सीएसएफ कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं. ऊपर वाला है ड्यूरा मैटर, ऊपर वाला क्या है बेटा ड्यूरा मैटर, बीच वाला है आर्कनॉइड और नीचे वाला है पायामैटर. पायामैटर है, और जो इनके बीच में, ये बीच में जो गैप होता है, जो इन लेयर्स के बीच में बेटा जो गैप होता है, इस गैप को हम कहते हैं सब आर्कनॉइड स्पेस. क्या कहते हैं इस गैप को? हम कहते हैं बेटा सब आर्कनॉइड स्पेस. ठीक है, तो याद रखना इस चीज को. नाउ अगर हम ब्रेन को देखें तो ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखता है बेटा. ब्रेन में बेसिकली कुछ लोब होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा फिगर में. तो बेसिकली ब्रेन में चार लोब होते हैं. एक फ्रंटल लोब जो कि सबसे बड़ा होता है, देन पैराइटल लोब है, फिर ऑक्सिपिटल लोब है, और सबसे छोटा जो होता है वो टेम्पोरल लोब होता है. सबसे छोटा जो होता है वो टेम्पोरल लोब. तो पहले फ्रंटल लोब होता है, देन इसके बाद पैराइटल लोब होता है, फिर ऑक्सिपिटल लोब और फिर टेम्पोरल. इस सीक्वेंस में साइज के हिसाब से हमने इसको अरेंज किया है, इसको बांटा हुआ है. ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्रेन के ऑर्गेन्स की और चीजों, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ब्रेन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ. अगर हम ब्रेन के टाइप्स की बात करें, ब्रेन के टाइप्स की, तो हमने ब्रेन को टाइप्स के आधार पर तीन पार्ट में बांटा है. तीन पार्ट में बांटा है, कौन कौन सा? एक होता है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन. एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हिंड ब्रेन, है ना. इस तरीके से हमने ब्रेन को टाइप्स के आधार पर बांटा. फोर ब्रेन में ज्यादातर जो हिस्सा होता है, जो अगर मस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं तो फोर ब्रेन का जो ज्यादातर हिस्सा होता है वो सेरिब्रम ही होता है. मतलब सेरिब्रम को हम एक तरह से फोर ब्रेन ही कहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ और भी पार्ट्स होते हैं. जैसे जैसे फोर ब्रेन में और जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जस्ट लाइक दैट. और फोर ब्रेन में जैसे हाइपोथैलेमस होता है, एपिथैलेमस होता है, थैलेमस होता है. तो मेन जो पार्ट है जैसे इसका हाइपोथैलेमस है, और एक जैसे डेंसिफिलॉन है. तो ये सब पार्ट्स होते हैं. डेंसिफिलॉन है, डेंसिफिलॉन. ठीक है, देखो पार्ट्स की कमी नहीं है, लेकिन मेन जो पार्ट है वो सेरिब्रम. मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट नहीं है. हिंड ब्रेन जो है, हिंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, पॉन्स है ना, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला, और मेडुला ऑब्लंगेटा. ये एक ही नाम, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये एक ही नाम.
तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे फोर ब्रेन में देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, इस तरीके से हमने ब्रेन को डिवाइड किया, लेकिन ब्रेन के टाइप्स के आधार पर, लेकिन जो पूरा ब्रेन है, पूरा मस्तिष्क है, वो बेसिकली डिवाइड है तीन पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइडेड है बेसिकली पूरा ब्रेन। जैसे सेरिब्रम है, जिसे हम फोर ब्रेन भी कहते हैं, कह सकते हैं इसको फोर ब्रेन, ठीक है। फिर आता है ब्रेन स्टेम। ये कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम कि ब्रेन स्टेम क्या होता है, व्हाट इज ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम के अंदर बेटा तीन चीजें आती हैं, तीन चीजें आती हैं हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर। कौन कौन सी आती हैं ब्रेन स्टेम के अंदर? जैसे हमारा मिड ब्रेन आता है, मिड ब्रेन पूरा का पूरा जो मिड ब्रेन है वो आ जाता है। फिर पॉन्स आ जाता है और फिर मेडुला आ जाता है। ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ये ब्रेन स्टेम का क्या है बेटा, पार्ट है। और सेरिबेलम अलग है ही, है ना। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, जो सेरिबेलम है, पॉन्स है, मेडुला है, ये पिछले पेज पे अभी बताया था ना, ये तीनों चीजें बताई थी मैंने, है ना। ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो ये मैंने ब्रेन को उनके टाइप्स के आधार पर बांटा है कि ब्रेन को टाइप्स के आधार पर तीन पार्ट में बांटा है, लेकिन ऑल ओवर जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको भी हमने तीन पार्ट में बांटा है। कौन कौन सा? सेरिब्रम। सेरिब्रम वैसे तो बेसिकली जो सेरिब्रम है वो पूरा का पूरा फोर ब्रेन ही सेरिब्रम कहलाता है, एक तरह से देखा जाए तो 99% जो पार्ट है वो सेरिब्रम ही है, फोर ब्रेन। और फिर हमने बांटा है ब्रेन स्टेम। तो जो ब्रेन स्टेम हमने बोला, जो हमने ब्रेन स्टेम बोला, तो ब्रेन स्टेम में तीन चीजें हैं, कौन कौन सी? एक तो मिड ब्रेन है, एक पॉन्स है, और एक है सेरिबेलम, है ना, सॉरी नॉट सेरिबेलम, पॉन्स है और एक है मेडुला, फिर तीसरा जो पार्ट है वो सेरिबेलम। इस तरीके से हमने चीजों को जो है वो डिवाइड किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उनका चीज है। तो सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम इज द फ्रंट ऑफ द ब्रेन, इज कंपोज ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर विच आर जॉइंड बाय द कॉर्पस कैलोसम। तो देखो, अगर आप ब्रेन को ऊपर से देखते हो, ब्रेन को बेटा ऊपर से अगर देखते हो तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हमारा जो मस्तिष्क है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ऐसे ऐसे कॉइलिंग कॉइलिंग कर देता, ठीक है। इस तरीके से आपको जो पूरा मस्तिष्क है वो दिखाई देगा, लाइक दैट, इस तरीके से आपको पूरा मस्तिष्क दिखाई देगा। तो ब्रेन जो है वो बेसिकली बेटा, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो बेसिकली दो हेमिस्फेयर में, दो पार्ट में जो है वो डिवाइडेड है। जो हमारा ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइड है ना। एक तो जैसे एक एक लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है, एक राइट पार्ट है और एक लेफ्ट पार्ट है। तो जो सेरिब्रम है, जो सेरिब्रम है, जैसे हम ऊपर से देखते हैं तो हमें सेरिब्रम में दिखाई देता है, तो ये ऊपर से देखने पे वाला है सेरिब्रम बेटा। तो सेरिब्रम बेटा दो लोब में डिवाइड है। तो हमारा जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो लेफ्ट और एक राइट। और जो लेफ्ट और राइट जो पार्ट है, ये दोनों कनेक्टेड हैं। इससे ये जो मैंने लाल लाल कलर का बीच में डार्क किया है, ये दोनों कनेक्टेड हैं किससे? कॉर्पस कैलोसम से। किससे कनेक्टेड है बेटा? कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड है, याद रखना, दे आर कनेक्टेड विद द कॉर्पस कैलोसम। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो यहाँ पर है। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये जो पूरा ब्लैक कलर का ये दिख रहा है आपको, ऐसे कर्व्ड सा, क्योंकि ये साइड इमेज है, ये ऊपर की इमेज नहीं है, ये सामने की इमेज है। तो यही आपका कॉर्पस कैलोसम है। तो याद रखना कि सेरिब्रम का जो लेफ्ट और राइट पार्ट होता है कनेक्टेड होता है कॉर्पस कैलोसम से। और अगर पूरा आपको देखें तो ये जितने भी कलर्ड पार्ट आपको दिखे, जैसे टेम्पोरल लोब है, फ्रंटल लोब है ना, पैराइटल लोब है, ऑक्सिपिटल लोब है, ये जितने भी चारों लोब आपको दिख रहे हैं, ये चारों लोब मिलकर सेरिब्रम बनाते हैं। ये चारों लोब मिलकर क्या बनाते हैं? सेरिब्रम। तो दो लोब एक तरफ होते हैं और दो लोब एक तरफ होते हैं। जैसे फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब एक तरफ होता है, पैराइटल लोब और ऑक्सिपिटल लोब एक तरफ होता है, ठीक है। तो बीच में क्या होता है? बीच में कॉर्पस कैलोसम होता है, जो उनको आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। अब सेरिब्रम का काम क्या है? तो जो बेटा सेरिब्रम है, सेरिब्रम का काम क्या है? सेरिब्रम जो है बेटा वो इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, टेम्परेचर, हमारे शरीर का टेम्परेचर। वह सेरिब्रम के अंदर एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ना कि वो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। तो टेम्परेचर को बनाता है टच, विजन, हियरिंग, जजमेंट,
रीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन एंड लर्निंग, ये सारे काम वो करता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम की बात करें तो ब्रेन स्टेम के अंदर तीन चीजें आती हैं, मिड ब्रेन, बोन्स एंड मेडुला, फंक्शंस ऑफ एरिया द मूवमेंट ऑफ आई एंड माउथ, सेंसरी मैसेज, बॉड पेन एंड लाउड रेस्पिरेशन, कॉन्सिक्वेंसेस कार्डिक फंक्शन एंड वॉटरी मसल्स मूवमेंट, स्नीजिंग, कपिंग, वॉमिटिंग एंड स्वेलोइंग, है ना। तो ये अलग अलग से भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो जैसे मैं अगर बात करूँ मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन क्या करता है, ये बेसिकली कंट्रोल करता है आईज और नोज को, इट कंट्रोल द आईज और नोज, है ना, आईज और नोज। ठीक है, तो ये इनको अगर सेंसरी जो मैसेज होते हैं इन सबको कंट्रोल करता है। पॉन्स जो है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, कार्डियक फंक्शन हो गया, ये सब कार्डियक फंक्शन ये सब होगा। अच्छा, मेडुला जो है वो इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट करता है, लाइक दैट स्नीजिंग, कपिंग, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, ये मेडुला का। इसके बाद है सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है वो बैक ऑफ द ब्रेन पे लोकेटेड है ना, पिछले, इसे पिछला मस्तिष्क भी कहते हैं, है ना। और इसका जो बेसिकली काम है, ये वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट कराता है, इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट मेडुला कराता है। अगर आपसे पूछा जाए इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट कौन कराता है हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है, इनवॉलेंट्री का मतलब है अनैच्छिक, मतलब ऐसी मूवमेंट जो बिना इच्छा से हो रही है, समझ गए, जैसे आंखों का फड़फड़ाना, छींक आना, उल्टी आना, तो ये बिना इच्छा से होती है, होइंग ही होइंग, तो इसे इनवॉलंटरी, तो ये कौन कराता है, मेडुला कराता है, मेडुला। और जो वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट कौन करता है, सेरिबेलम कराता है ना। जैसे मेंटेन पोस्चर, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, ये सब कौन कराता है, सेरिबेलम कराता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ब्रेन स्टेम के हम जो पार्ट्स हैं, ब्रेन स्टेम के कौन कौन से पार्ट है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। तो पॉन्स और मेडुला के बारे में जानते हैं, तो पॉन्स आर डीप पार्ट ऑफ ब्रेन लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम, द पॉन्स कंटेन्स मैनी ऑफ द कंट्रोल एरिया फॉर आई एंड फेस मूवमेंट। तो पॉन्स जो है बहुत सारे कंट्रोल एरिया को कंट्रोल करता है, आई और फेस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मेडुला क्या करता है, लोवेस्ट पार्ट है, मेडुला इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ एंटायर ब्रेन, कंटेन्स द इम्पोर्टेंट कंट्रोल सेंटर फॉर हार्ट एंड लंग, है ना। इसके पास इम्पोर्टेंट कंट्रोल सेंटर्स होते हैं हार्ट और लंग्स के। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी। इसके बाद हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें, ए लार्ज बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स लोकेटेड इन द बैक एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रेन टू द लोअर बैक, द स्पाइनल कॉर्ड कैरीज मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम, अगर हम बात करते हैं फ्रंटल लोब की, द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द ब्रेन लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द हेड, है ना। द फ्रंटल लोब इज इन्वॉल्व इन द पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स एंड मूवमेंट, रिकॉग्निशन ऑफ स्मेल यूजुअली इन्वॉल्व द पार्ट्स ऑफ द फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब का काम। पैराइटल लोब, है ना। अब देखो लोब मैंने बताए थे चार, तो सबसे बड़ा लोब जो है वो फ्रंटल लोब है ना। इसका जो बेसिकली काम है पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स जो होती है, मूवमेंट होती है, रिकॉग्निशन ऑफ स्मेल जो है यूजुअली इन्वॉल्व द पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब, तो ये इनका बेसिकली काम। पैराइटल लोब जो है बेटा, जो पैराइटल लोब है मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, पैराइटल लोब हेल्प्स द पर्सन टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, है ना। जो आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट के लिए ये पैराइटल लोब जो है वो सहायक है ना। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए पैराइटल लोब इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पैराइटल लोब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है बेटा, पैराइटल लोब इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दैट। ठीक है, इंटरप्रेटिंग पेन एंड टच इन द बॉडी। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द ब्रेन,
ये हमारा ब्रेन, आपको देख सकते हैं बेटा, दिस इज द ब्रेन। ये देखो ब्रेन का ये पार्ट है, ये बीच में क्या होता है, बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये आपको जो दिख रहा होगा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना, इस तरीके जब हम ऊपर से देखते हैं तो ब्रेन ऐसे दो भाग में दिखाई देता है, और ये पार्ट आपका जुड़ा होता है किससे, कॉर्पस कैलोसम से। किससे जुड़ा होता है, कॉर्पस कैलोसम से जुड़ा होता है, कॉर्पस कैलोसम से ये पार्ट जो है बेटा जुड़ा होता है, बेसिकली ये पार्ट जो है कनेक्टेड होता है कॉर्पस कैलोसम से। ठीक है, इस तरीके से लोब होते हैं हमारे इस ब्रेन के अंदर। ठीक है बेटा, अब देखो इसका आगे का बिल्कुल हिस्सा आ गया है ना, आगे का हिस्सा आ गया इस तरीके से, ये आगे से देखने में ऐसा लगता है। तो ये आपका ये जैसे साइड में एक लोब है ना, ये एक लोब है, ये पूरा एक लोब है इस तरीके से, और यहाँ पर एक लोब है और एक लोब यहाँ, इस तरीके से चार लोब जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये 3D व्यू है पूरा जो आपको देख के समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, ब्रेन जो है वो सारी चीजें यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ना हम बात करते हैं ऑक्सीपिटल लोब की। अगर ऑक्सीपिटल लोब की बात करें, स्पीच म्यूजिकल रिदम एंड सम डिग्री ऑफ रिकॉग्निशन, सब डिग्री ऑफ रिकॉग्निशन कुछ डिग्री ऑफ रिकॉग्निशन यहाँ पर देखने की है। ठीक है, जैसे याद रखना इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई, नाउ अब हम बात करते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड, अब हम बात करते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की जरा बात कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है मेड अप ऑफ नर्व टिश्यू व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑफ इन्वॉलंटरी एक्शंस को बेटा कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे देखो तो हमारे जो, अब मैं आपकी बात करता हूँ PNS, देखो ये तो हमने CNS की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं बेटा PNS। PNS की अगर हम बात करते हैं तो PNS जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो इसमें क्रेनियल नर्व्स होती है, एक होती है इसमें बेटा क्रेनियल नर्व्स और एक होती है स्पाइनल नर्व्स। कौन सी होती है बेटा, स्पाइनल नर्व्स। एक क्रेनियल नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स। तो जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो कहाँ से निकलती है, क्रेनियल नर्व्स आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर, क्रेनियल नर्व्स आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर, it is originated from the brain, it is originated from the brain. तो कहाँ से निकलती है भाई, ये निकलती है आपके ब्रेन से। ठीक है, तो निकलती है बेटा आपके ब्रेन से, तो ब्रेन से निकलती है तो ये चीज याद रखें, it is originated from the brain. ठीक है बेटा, ब्रेन से निकलती है, मस्तिष्क से निकलती है, इनकी जो संख्या होती है वो 12 होती है, कितने के संख्या, संख्या होती है 12।
चैनल आप जो है वो निकलती कहाँ से है, इट इज ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम्स, यहाँ से निकलते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 31 पेयर, पेयर शब्द यूज करना है आपको। इनकी संख्या क्या होती है बेटा, 31 पेयर होगा। ठीक है, यहाँ देखो भाई हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स की, किसकी बात कर, क्रेनियल नर्व्स की बात कर रहे हैं। तो क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है, 12 पेयर होती है। ऐसे ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स हैं, तो ये देखो एक इधर से निकलेगी, एक इधर से, दोनों तरफ से, एक मान लो इधर से निकले तो एक इधर से निकले। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल, मतलब ये जुड़ी किससे रहेगी, नाक से। दूसरी है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जो है वो यहाँ से निकल रही है, ऑप्टिक नर्व। फिर है ऑक्यूमुलेटर नर्व, ऑक्यूमुलेटर नर्व इस तरीके से यहाँ से निकलती है, ऑक्यूमुलेटर नर्व। फिर है ट्रॉकलियर नर्व होगी, ट्रॉकलियर नर्व, देन ट्राइजीमियल नर्व, एब्डुसेस नर्व, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलोपॉलियर नर्व, ियल नर्व, नर्व, हाइपोक्लोसल नर्व। तो ये सारी नर्व्स होती हैं, दीज आर द क्रेनियल नर्व्स, जो जिनकी संख्या 12 पेयर होती है। तो पहला नर्व याद रखो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है, जिनका काम होता है सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल को सेंस करना। जैसे यहाँ देखो भाई, ये मैंने फिर बोला कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से निकलती हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 12 पेयर होती है। कितनी होती है, 12 पेयर। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है सेंसरी नर्व में आती है ना, जैसे इनका काम होता है स्मेल करना। ऑप्टिक नर्व का काम होता है विजन देखना। ऑक्यूमुलेटर मोस्ट आई मूवमेंट, आई मूवमेंट होती है वो ऑक्यूमुलेटर नर्व करती है। ट्रॉकलियर नर्व है मोस्ट आई टू लुक एट, आई को मूव कराना, नाक को देखने के, उसे ट्रॉकलियर नर्व कहते हैं। ट्राइजीमियल नर्व होता है फेस सेंसेशन, मास्टिकेशन, इसके लिए जनरली जो है वो सेंसरी नर्व्स के तौर पर ही चीजें काम करती हैं। जैसे जो नर्व फाइबर होते हैं बेटा, जो नर्व नर्व जो नर्व फाइबर्स होते हैं या नर्व टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो सेंसरी, एक होता मोटर, और एक होता बोथ मिक्स्ड, जिसे हम बोथ कहेंगे। अभी मैं इनकी भी बात करूंगा कि सेंसरी नर्व फाइबर कौन से होते हैं, मिक्स नर्व फाइबर कौन से होते हैं, है ना, मोटर नर्व फाइबर्स कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख पा रहा हो कि जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व जो है सेंसरी सेंसरी नर्व है। सेंसरी नर्व का मतलब जो सेंस करे चीजों को, तो चीजों को सेंस करे, मतलब जो जो मैसेज को, है ना, बॉडी पार्ट से, जिस बॉडी पार्ट से मैसेज आ रहा है, जिस बॉडी पार्ट से मैसेज आ रहा है, मैसेज को बॉडी से ब्रेन तक पहुंचा दें या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दें, उसे हम सेंसरी नर्व कहते हैं। मोटर नर्व उल्टा काम करते हैं, जो मैसेज को बेटा, जो मैसेज को कहाँ से कहाँ पहुंचा दें, जो मैसेज को ब्रेन से उठाकर कहाँ पहुंचा दें, बॉडी तक पहुंचा दें, उसे हम क्या कहते हैं, मोटर नर्व। और जो दोनों काम करते हैं, जो मैसेज, जो एक ही नर्व मान लो मैसेज को लेकर भी जा रहा है, लेकर भी आ रहा है, उसे हम बोथ कहते हैं या मिक्स्ड नर्व कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मिक्स्ड नर्व कहते हैं। तो ये चीज याद रखें, दीज ये 12 नर्व जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, 12 नर्व्स, ये 12 की 12 कौन सी हैं, ये दीज आर नोन एज द क्रेनियल नर्व्स। कौन सी नर्व है बेटा, क्रेनियल नर्व्स। कहाँ से निकलती हैं, ब्रेन से निकलती हैं। संख्या कितनी होती है, 12 पेयर। पेयर शब्द जरूर याद करना, अगर सिर्फ संख्या संख्या पूछे तो 12 का दुगना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। समझ गए बात को भाई, बात आगे समझ में, जितने भी लाइव एक बार बताओगे बात समझ में आएगी।
बात आ गई भाई समझ। बोल तो भाई ऐसे अनु, अब हम बात कर रहे हैं बेटा इस फाइनल नर्व्स की। अब हम बात कर रहे हैं बेटा इस फाइनल नर्व्स की। स्पाइनल नर्व्स की जो संख्या होती है वो 31 पेयर होती है, 31 पेयर, 31 पेयर। ये कहाँ से निकलती है? यहाँ से, जैसे इस तरह से आप स्पाइनल कॉर्ड है इसके दोनों तरफ से निकलती है। तो ऊपर की जो 7 नर्व है, ऊपर की जो 8 है, सॉरी, ऊपर की जो 8 नर्व होती है, फर्स्ट 8 है ना, जो फर्स्ट 8 नर्व है वो कौन सी है? सर्वाइकल। कौन सी नर्व है बेटा? वो सर्वाइकल नर्व। उसके बाद 8वें के बाद मतलब 12 नर्व, मतलब 9 से लेकर, है ना, 9 से लेकर 20 तक 12। देन उसके बाद जो 12 नर्व है ना, T1 T2 T3 12 तक लिखा है, उसे हम थोरेसिक कहते हैं। तो ये पूछ लिया था कि सर्वाइकल नर्व्स कितनी होती है? 8 होती है। थोरेसिक कितनी होती है बेटा? 12 होती है। ये पेयर्स में है, फिर बोल रहा हूँ पेयर्स में। इसके बाद आता है लंबर। लंबर कितनी होती है? 5 होती है, 5। फिर सैक्रल कितनी होती है? ये भी 5 होती है। और कॉकिक्स या कॉकिजियल वो होती है 1। कॉकिक्स या कॉकिजियल होती है 1। सबको जोड़ोगे अगर आप, 8 12 5 5 1, सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 12 8 20 हो गया, 5 5 10 30 और 1 31। तो 31 पेयर्स ऑफ नर्व, स्पाइनल नर्व्स होती है। स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी है बेटा? 31 पेयर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो C1 से C3 है वो नेक मसल्स है, वो गर्दन की मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। जो C4 है वो हमारे डायफ्राम को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है बेटा? डायफ्राम को कंट्रोल करता है। C5 जो है वो शोल्डर को कंट्रोल, मतलब वैसे तो याद करने की इनकी जरूरत नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो कनेक्ट होती है। लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहिए कौन सी नर्व कितनी है। तो स्पाइनल नर्व्स की जो संख्या है, जो टाइप्स है, वो 5 है ना। स्पाइनल नर्व्स कितने प्रकार के हैं बेटा? 5 प्रकार के हैं। देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। कौन कौन से? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकिजियल। सर्वाइकल की संख्या 8 है ना, थोरेसिक की संख्या 12, लंबर की संख्या कितनी भाई? लंबर की संख्या 5, सैक्रल की संख्या 5 और कॉकिजियल की संख्या 1, ठीक है भाई। तो इस तरीके से बेटा आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। अभी मैं ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की बात करूं तो यहाँ पर इसकी बात करने जा रहा हूँ। ग्रे मैटर, 40% ऑफ द ब्रेन जो है वो ग्रे मैटर है, 60% ऑफ द ब्रेन जो है वो व्हाइट मैटर है। ये क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? ग्रे मैटर जो होता है वो, जैसे हम जब हमारे हम अपने ब्रेन का जब एमआरआई कराते हैं, जब ब्रेन का हम एमआरआई कराते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्या बोलते हैं होती है एमआरआई की? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई जब ब्रेन का हम कराते हैं तो उसमें जो है, एमआरआई में एक्सरे टाइप चीजें आती है, तो उसमें कुछ पार्ट ग्रे ग्रे आता है और कुछ पार्ट जो व्हाइट आता है, व्हाइटिश आता है, कुछ पार्ट ग्रे ग्रे रहता है, मतलब ब्लैकिश और ग्रे का कॉम्बिनेशन। तो 40% हिस्सा जो होता है हमारे ब्रेन का ग्रे मैटर, ग्रे। 60% जो हिस्सा होता है व्हाइट मैटर होता है। जो ग्रे मैटर है इसमें कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ब्रेन न्यूरोनल सेल बॉडी, है ना। ज्यादातर जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन की जो न्यूरॉन जितने ज्यादातर होते हैं वो ग्रे मैटर में होता है। जो व्हाइट मैटर है ये बेसिकली जो होते हैं, जो व्हाइट मैटर है ये बेसिकली क्या करते हैं? ग्रे मैटर के एरियाज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ग्रे मैटर के एरियाज को आपस में क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, है ना। तो सीवियर सर्व्स टू द प्रोसेस इंफॉर्मेशन, अलाउज कम्युनिकेशन टू एंड फ्रॉम द ग्रे मैटर एरियाज एंड बिटवीन द ग्रे मैटर एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। वही है कि व्हाइट मैटर जो है आपस में ग्रे मैटर एरिया को जोड़ते हैं
और अदर पार्ट ऑफ बॉडी से कम्युनिकेशन कराने में सहायक होते हैं, है ना। ये फुली डेवलप्ड हो जाता है 20 साल की एज तक, 20 साल की एज तक ये बेटा फुली डेवलप्ड हो जाता है, और ये जो है 20 साल थ्रू आउट द कंटी एंड पीक्स इन मिडिल एज। मिडिल एज में मतलब 30 साल 35 साल के एज में पीक्स पर होता है। तो मतलब हमारा जो दिमाग है वो पूरी तरह से 30-35 साल तक ही डेवलप होता है, बढ़िया से जो डेवलप होता है ना, जिसमें हमें अच्छे बुरे की हमें समझ होती है, हमें क्या फैसला लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इन सब चीजों की हमें समझ होती है, ठीक है। तो अब जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक्सॉन विद माइलिनेशन शीट आर कॉल्ड माइलिनेटेड, एक्सॉन विदाउट द शीट आर कॉल्ड अनमाइलिनेटेड। देखो जो जो न्यूरॉन होता है ना, इसके ऊपर एक शीट होती है, ऐसे कवरिंग होती है, इसे हम माइलिन शीट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, माइलिन शीट। ये जो कवरिंग है दिस इज नोन एज द माइलिन शीट, इसे हम माइलिन शीट कहते हैं। तो जिन 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 न्यूरॉन पर माइलिन शीट होती है उसे हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये माइलिन शीट किसके ऊपर है, एक्सॉन के ऊपर है ना। ये जो डंडा आ रहा है नीचे की तरफ, ये एक्सॉन है ना, एक्सॉन के ऊपर है। माइलिन शीट किसके ऊपर है भाई, एक्सॉन के ऊपर है। तो जिसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, माइलिन शीट जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसे हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है ना, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। और जिनके ऊपर नहीं होती है उसे उस पर हम अनमाइलिनेटेड शब्द का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम कर लेते हैं भाई। तो जो व्हाइट मैटर के न्यूरॉन्स होते हैं, कि हमारे ब्रेन में तो न्यूरॉन्स हैं क्योंकि न्यूरॉन ही तो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, तो व्हाइट मैटर के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे हैं, माइलिनेटेड हैं। व्हाइट मैटर वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे हैं बेटा, माइलिनेटेड हैं, है ना। व्हाइट मैटर वाले माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, और जो ग्रे मैटर के न्यूरॉन्स हैं वो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो कैसे होते हैं बेटा, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब इनके एक्सॉन पर कोई भी माइलिन शीट नहीं होती, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। अब मैं न्यूरॉन की बात कर लेता हूँ, कि न्यूरॉन हमारे शरीर में है ना, इट ट्रांसफर्स द मैसेज इन अवर बॉडी, इट ट्रांसफर्स द मैसेज इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ये मैसेज को ट्रांसफर करता है। न्यूरॉन जो है बेसिकली, न्यूरॉन जो है ये और क्या कर सकता है, न्यूरॉन जो है मैसेज को ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख देता हूँ, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैसेज को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ट्रांसफर करता है। न्यूरॉन के बारे में और भी जो चीजें फेमस है वो क्या है, जैसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल, क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका है ना। एक न्यूरॉन जो 99 सेंटीमीटर लंबा होता है, एक न्यूरॉन जो है वो 99 सेंटीमीटर लंबा होता है, याद रखो। अब जरा देखो बेटा, ये आपका न्यूरॉन है, बीच में क्या है, बीच में आपका न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस से ऐसे निकल कर एक लाइन डंडा जो नीचे तक आ रहा है, यहाँ तक ये जो डंडा आ रहा है नीचे तक, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग है इसे हम कहते हैं माइलिन शीट, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, माइलिन शीट कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग है दिस इज नॉन एज द माइलिन शीट, ये माइलिन शीट कहलाता है, ठीक है, माइलिन शीट कहलाता है। इसके बाद बेटा दो माइलिन शीट के बीच का जो गैप है, दो माइलिन शीट के बीच का जो गैप है इसको हम नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं इसे। और माइलिन शीट के अंदर जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, इसे हम स्वान सेल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्वान सेल। देखो सबका काम भी है, सबका काम लिखा भी हुआ है, और ये डेंड्राइट्स हैं, ये जो जड़ सी निकली हुई है डेंड्राइट्स,
डेंड्राइट्स क्या करते हैं, रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स, दूसरे सेल से सिग्नल रिसीव करती हैं। फिर सेल बॉडी है, सेल बॉडी क्या करता है, जो सेल बॉडी है काम होता है ऑर्गेनाइज एंड कीप्स द सेल फंक्शनल, है ना, सेल को फंक्शनल बनाने में मदद करता है। सेल मेम्ब्रेन भी वो होगी इसके, जब सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगा, प्रोटेक्ट करता है सेल को। फिर यहाँ से एक्सोन स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ से एक्सोन स्टार्ट हुआ, तो जहां से एक्सोन स्टार्ट हुआ उसे हम बोलते हैं एक्सोन हिलॉक, एक्सोन हिलॉक। तो ये इम्पल्स जनरेट करता है न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर बेटा इम्पल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी को आगे भेजने का एक फोर्स जनरेट करता है, फोर्स जनरेट करता है न्यूरॉन के अंदर। न्यूक्लियस जो है वो एंटायर न्यूरॉन को कंट्रोल करता है, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, सेल का ब्रेन कहलाता है। अच्छा, इसमें एक और फिगर है जो हमें दे नहीं रखी लेकिन वो आएगी यहाँ पर, कौन सी है बेटा, है ना, जैसे क्या होता है डेंड्राइट्स के अंदर और जो सेल बॉडी है हमारी, डेंड्राइट है और जो सेल बॉडी है इसके ऊपर ऐसे इसके अंदर क्या होते हैं ना डॉट 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 कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं बेटा डॉट 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं कई सारे, है ना, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते यहाँ पर, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कई सारे। तो ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं नेसल ग्रेनुल्स, क्या कहते हैं, नेसल्स ग्रेनुल्स, याद रखना भाई, नेसल्स ग्रेनुल्स कहते हैं। नेसल्स ग्रेनुल कहाँ कहाँ होते हैं, ये न्यूरोन के अंदर डेंड्राइट्स के अंदर होते हैं और सेल बॉडी, जो सेल बॉडी है उसके अंदर होते हैं, दो जगह नेसल ग्रेनुल्स स्वयं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका बेसिकली काम क्या है, ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उनके रेट को बढ़ा देते हैं, नेसल ग्रेनुल्स जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रेट को बढ़ा देते हैं। एक्सोन का काम क्या है, ट्रांसफर करता है सिग्नल को अदर ऑर्गन। माइलिन शीट क्या करता है, सिग्नल की स्पीड को बढ़ा देता है, नेसल ग्रेनुल्स का भी यही काम। नोड्स ऑफ रेनवियर एलो डिफ्यूजन ऑफ आयन, जैसे आयंस को अंदर जाना है आयंस को बाहर निकलना है तो वो रेनवियर से, नोड्स ऑफ रेनवियर से निकलते हैं। स्वान सेल जो है वो माइलिन शीट को बनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वान सेल वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, माइलिन शीट को कौन सी सेल्स बनाती हैं, तो है बेटा स्वान सेल, स्वान सेल जो होती है बेटा माइलिन शीट को बनाती है ना। और न्यूरोन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है वो सोडियम आयन्स के रूप में होती है, इस रूप में होती है बेटा सोडियम आयन्स के रूप में। ठीक है पुनित मिश्रा, नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आया, सोडियम आयन्स के रूप में। और हाँ, न्यूरॉन इज द ओनली एनिमल सेल, सॉरी इज द ओनली एनिमल सेल, विच हैज नो सेंट्रोसोम, विच हैज नो सेंट्रोसोम, जिसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम क्या होता है, जो एनिमल सेल को डिवाइड करता है, तोड़ता है। तो न्यूरॉन के अंदर बेटा कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता, न्यूरॉन के अंदर जो है कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। तो न्यूरॉन इज द ओनली एनिमल सेल जिसके अंदर बेटा कोई सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम एक पार्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम इज अ ऑर्गेन ऑफ अ सेल, है ना, जो कि सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन न्यूरॉन के अंदर कोई सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, एनिमल सेल को डिवाइड करता है, एनिमल सेल को डिवाइड करता है, तोड़ता है ना, सेंट्रोसोम की बात में करें। बढ़िया हूँ बेटा, कैसे हैं सर आप, बढ़िया हूँ बेटा। पुनित कैसे हो आप बताओ, निशा जी कैसे हो बताओ आप। तो देखो न्यूरॉन जो है वो तीन प्रकार का होता है, एक तो सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक रिले न्यूरॉन होता है, तीन प्रकार का बेटा न्यूरॉन जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तीन प्रकार का न्यूरॉन प्रेजेंट है,
सेंसरी, रिले और मोटर, तीन प्रकार। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है वो क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो मैसेज को सेंस करता है बॉडी से, सेंस करके कहाँ पहुंचा देता है, मैसेज को पहुंचा देता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, कहाँ पहुंचा देता है स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन। हाँ बता रहा हूँ बेटा, मैं तिथिष्ठा वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखते जाओ जो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो देखो हमारे शरीर में बेटा जो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो दो ऑर्गन के अंदर होती है ना, एक तो ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, पीछे पढ़ा चुका हूँ बेटा, ठीक है। तो जो सेंसरी नर्व होता है, जो सेंसरी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, वो मैसेज को बॉडी से उठाकर कहाँ लेके जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन, मतलब जिसका जो काम होता है उसमें हम वो लेके जाते हैं, ठीक है। ये काम होता है सेंसरी नर्व्स का, सेंसरी नर्व, ऐसे लिख देता, ठीक है। इसके बाद जो मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से लेकर बॉडी तक आते हैं वो क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। कौन से होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। और जो मैसेज को बेटा दोनों डायरेक्शन में मूव कराते हैं, ठीक है, मिक्स्ड होते हैं, मतलब मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, और उसी के अंदर मैसेज ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व बोलते हैं, रिले बोल दो, मिक्स्ड बोल दो, मिक्स्ड नर्व भी बोल देते हैं, रिले नर्व भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो आप। राइट नाउ आई एम स्टूडेंट फॉर कानून अकेडमी दिल्ली सर। ओके कैसे हो बेटा, बोलिए कैसे हो, प्रतीक्षा समझ में आ गया बेटा आपको। अब एक एक करके सबकी बातों का जवाब दूंगा। प्ले विथ फिजिक्स, राम राम बेटा, राम राम, गुड मॉर्निंग बेटा, आ गया ना, ठीक है। अच्छा पुनीत, अब बोलो तुम क्या कह रहे हो। आई एम स्टूडेंट बालमन अकेडमी रिक्वायर्ड बी। ओके ओके हाँ, तो समझ में आ रहा है ना, वहाँ बालोई में, दिल्ली कैंट में है बालोई एकेडमी, तो बालोई एकेडमी दिल्ली कैंट में है। और अगर आप मतलब दिसंबर के बाद, अगर आप बेटा दिसंबर दिसंबर के बाद भी पढ़ते रहे वहां पर, ठीक है, दिसंबर के बाद भी अगर वहां पढ़ते रहे जल्द ज्वाइन कर लूंगा, जनवरी में ज्वाइन कर लूंगा। हालांकि ऑफर है मुझे वहां से, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा कुछ पर्सनल रीजन है इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर रहा। अनुज सर पढ़ाते हैं ना वहां पर, अनुज सेठ सर, बालनोई बेटा प्रतीक्षा, बालनोई एक एकेडमी है, मतलब एक कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग, कोचिंग ऑफलाइन, ठीक है। तो हालांकि मैं इसका वो नहीं कर रहा हूँ एडवर्टीजमेंट यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे डिफेंस की कोचिंग होती है दिल्ली में। चलो तो ये बात आपको समझ में आ गई, न्यूरॉन्स की बात हमने करी, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करी, सारी चीजें हमने बताई। चलो तो अब हम बात करते हैं बेटा, आगे चलते हैं और ये सारी चीजें, तो जरा लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा तभी आप चीजों को समझ पाओगे ना। तो कुछ जरा फंक्शंस और कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं बेटा चीजों को लेकर। तो देखो जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है, देखो जैसे मान लो बेटा एक न्यूरॉन है,
डिसीजन न्यूरॉन ये न्यूरॉन है मान लो, ये डिसीजन न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के ऊपर क्या होता है, इस तरीके से बाइंडिंग शीट होती है एक्सॉन के ऊपर। ये पीछे स्ट्रक्चर तो मैं आपको समझा चुका हूँ, और ऐसे ऐसे मतलब ये एक्सॉन टर्मिनल होता है। तो देखो दो, फिर इसके बाद एक दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है। जैसे ये एक न्यूरॉन खत्म हो, फिर दूसरा न्यूरॉन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे फिर दूसरा न्यूरॉन ऐसे स्टार्ट हो गया। मतलब हमारे शरीर में न्यूरॉन्स का एक जाल है, हमारे शरीर में न्यूरॉन इतने हैं कि अगर हम उनको बांध के एक रस्सी बना दें तो यहाँ से चंद्रमा तक पहुंचा जा सकता है। इतने ज्यादा न्यूरॉन हमारे शरीर में, अगर उनको बांध के एक रस्सी बना दिया जाए तो यहाँ से हम चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं उसको लेकर। ठीक है, तो ये इस तरीके से है बेटा। तो दो न्यूरॉन के बीच की जो गैप होती है उसे हम कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं बेटा? साइनेप्स कहते हैं। तो ये पॉइंट लिख देता हूँ, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड साइनेप्स। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साइनेप्स कहते हैं दोनों। अब देखो मैंने बताया कि न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो रहे हैं, है ना? तो न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, मैंने पीछे लिखवाया था, सिग्नल ट्रांसमिट इन न्यूरॉन किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। नहीं तो अगर अगर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में नहीं होते तो जैसे मैं कुछ बोलता हूँ या आपको कोई कोई आपका नाम सुना बोलता है तो आपको तुरंत सुनाई देता, तुरंत मैसेज आपके शरीर में ट्रांसमिट होता है, गोली की तरह मैसेज चलता है। अगर सोचो तो लिक्विड के फॉर्म में सिग्नल ट्रांसमिट होते तो ऐसे तैरते हुए जाता लिक्विड है, तैरते हुए कहीं फंस जाता तो पता चले आप बोल रहे हैं और 5 मिनट बाद सुनाई दे रहा है ना। अब बोल रहे तो 5 मिनट बाद सुनाई दे रहा है। तो हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांस जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में होता है, ठीक है? और ये चीज जो होती है बेटा वो न्यूरॉन्स के अंदर होती है। अच्छा, लेकिन जब न्यूरॉन जो है साइनेप्स में आते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी बेटा कहाँ आती है? इस साइनेप्स में आती है। तो होता क्या है, इस जगह पर क्या होता है, इस जगह पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, मैं यही चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इस जगह पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, बदल जाते हैं केमिकल सिग्नल में। किसमें बदल जाते हैं भाई? केमिकल सिग्नल में बदल जाते हैं। और इन केमिकल सिग्नल को हम क्या कहते हैं? इन केमिकल सिग्नल को हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। इन केमिकल सिग्नल को हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। तो याद है, इन केमिकल सिग्नल को हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बात आई समझ में? साइनेप्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल सिग्नल में बदल जाते हैं, और इन केमिकल सिग्नल को हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तुमको आई बेटा? पुनित, पुनित तुमको आई? चलो आगे चलते हैं। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर कितने प्रकार के हमारी बॉडी में होते हैं और कब कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है हमारे शरीर में। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है शरीर में, समझ लो। ये बेटा डिपेंड करता है कि कैसा मैसेज हमारे शरीर में ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये बेसिकली ये बातें डिपेंड करती हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं एड्रेनालिन की, तो ये अलग अलग प्रकार के बेटा न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो इस न्यूरोट्रांसमीटर हमारे शरीर में टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं, निकलते हैं। जैसे एड्रिनालिन है, वैसे तो एक हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर जनरली हार्मोन का ही काम करते हैं,
है ना। वैसे तो ये हार्मोन है, जनरली सारे ही हार्मोन है कहीं ना कहीं, कुछ ना किसी, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर वो चीजें होती हैं, वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर में, हमें हमारे दिमाग में कुछ खेलते हैं, मतलब या तो हमें खुश करते हैं, या हमारा मूड चेंज कर देते हैं, या हमें एक्साइट कर देते हैं, हमें मोटिवेट कर देते हैं, या हमें रिलैक्स कर देते हैं। इस तरह के जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हें हम बेटा न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। जैसे एड्रेनलिन हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है ये फाइट और फ्लाइट न्यूरो ट्रांसमीटर है, इसको हम बेटा मोटिवेशन हार्मोन या मोटिवेशन न्यूरो ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, मोटिवेशन हार्मोन भी इसे कहते हैं, इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन, उठो तथा लड़ो हार्मोन भी कहते हैं इसे, है ना। जब हम बहुत विकट परिस्थिति में होते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हमें मोटिवेट करने का काम कौन करता है, एड्रेनलिन करता है। नॉन एड्रेनलिन, अब जैसे मोटिवेट तो हो गए, चलो भाई अच्छी बात है, जैसे मान लो मैंने आपको मोटिवेट कर दिया कि तैयारी करो बढ़िया, एकदम लेफ्टिनेंट लग जाओगे, 19 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट बन जाओगे, रजिस्टर्ड ऑफिसर बन जाओगे, इस तरीके से मैंने आपको मोटिवेट कर दिया। लेकिन उस मोटिवेट, वो मोटिवेशन बना भी रहना चाहिए, कंसेंट्रेशन बनी रहेगी पढ़ाई में तभी तो पढ़ते रहोगे, है ना। मोटिवेशन ये थोड़ी ना कि मोटिवेट कर दे 2 घंटे बाद मोटिवेशन गायब हो गया, तो वो मोटिवेशन किस काम का बेटा, समझ लो। तो मोटिवेशन जो है बना रहना चाहिए, तो मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए, है ना, कंसेंट्रेशन को बनाए रखने के लिए तो कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, नॉन एड्रेनालिन निकलता है, जिसे हम कंसेंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमें किसी एक चीज पर कंसेंट्रेट करता है, ठीक है, कंसेंट्रेट करता है। फिर इसके बाद आता है डोपामिन, डोपामिन ये प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मतलब ये खुशी देता है, मतलब जब हम खुश होते हैं किसी भी रीजन से, मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया एनडीए में, मान लो यू आर सिलेक्टेड इन एनडीए, फाइनल कट ऑफ में सिलेक्शन है ना, और सिलेक्शन जैसे हुआ तो सोचो उस टाइम पे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा आपका, उस टाइम पे बेटा आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और जब खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा तो बस फिर क्या है, उस टाइम कौन सा हॉर्मोन निकलेगा, डोपामिन निकलेगा। डोपामिन एक प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन। फिर एक होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जो है वो मूड 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 न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना। जैसे सेरोटोनिन एकदम से निकल गया तो मूड स्विंग होता है, जो मूड स्विंग करने का काम है वो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। गाबा, गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कामिंग, काम करता है, हमें ठंडा करता है। हाँ भैया आप गुस्से में हो, आपको थोड़ा ठंडा कर देगा, वो गाबा होता है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। एक होता है एसिटाइल कोलीन, अगर हम किसी चीज को याद कर रहे होते हैं, मान लो तुम्हारे सामने कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो तुमने पढ़ रखा हो कभी, है ना, कभी पढ़ रखा हो लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो आप सोचोगे क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर उस टाइम पर निकलेगा याद करते समय या कोई चीज पढ़ते समय, उसे हम बोलते हैं एसिटाइल कोलीन। जो सबसे ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर हमारे शरीर में निकलता है वो यही निकलता है, क्योंकि हम हर समय कुछ ना कुछ लर्न कर ही रहे होते हैं, जैसे घर की बात सोचना या पढ़ाई की बातें सोचना या किसी और की बातें सोचना, तो कुछ ना कुछ इस तरीके का हम कर ही रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो न्यूरोट्रांसमीटर अगर पूछा जाए, मोस्ट सीक्रेटेड न्यूरोट्रांसमीटर इन आवर बॉडी, तो वो है एसिटाइलिन कोलिन। कौन सा है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। इसके बाद है ग्लूटामेट, ग्लूटामेट जो है एक मेमोरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये हमारी मेमोरी को नरिश करता है, नरिशमेंट करता है। फिर एंड्रोफिन्स है ना, ये लास्ट है एंड्रोफिन्स, एंड्रोफिन जो है यूफोरिया है ना, ये कैसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसे यूफोरिया न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब बताओ मुझे यूफोरिया का मतलब कौन बताएगा, बताओ। यूफोरिया का मतलब क्या होता है बेटा, उत्साह, किसी काम को करने के लिए उत्साह रहना, मतलब एक तरह से ये भी कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है, उसी को हम यूफोरिया कहते हैं, या ग्रोथ करना है, ग्रोथ करना, उत्साह मतलब एक तरह से बढ़ते जाना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते। तो भाई चीजें समझ में आ गई,
चीजें आगे ना समझ। तो ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर का मोड ऑफ एक्शन है, मतलब खैर जैसे ये एक्सॉन टर्मिनल है, न्यूरॉन का सबसे एंड वाला जो हिस्सा होता है, ये मैं बात ही कर दिखा, न्यूरॉन का जो सबसे एंड वाला हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस हिस्से को हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल के बाद साइनेप्स आता है, यहाँ पे देखो अब इस चीज पे ना, ये पूरा का पूरा एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, इसके बाद साइनेप्स है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये साइनेप्स है, एंड देन फिर है डेंड्राइट। ये डेंड्राइट जो है वो दूसरे दूसरे न्यूरॉन का है, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया, फिर ये साइनेप्स हो गया, बीच में ये साइनेप्स हो गया, देन फिर डेंड्राइट्स हो गया। ठीक है, तो अब जैसे एक्सॉन टर्मिनल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बने से बने, देन फिर यहाँ बेटा रिलीज हो जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स, देन फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो फिर आपके डेंड्राइट्स में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से जो चीजें हैं वो चलती हैं, ठीक है, इस तरीके से जो चीजें हैं वो चलती हैं बेटा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, नाउ अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। माइलिन शीटेड ड्राइव फ्रॉम, माइलिन शीट को कौन बनाता है बताओ? प्रतीक्षा आप ही लाइव हो बस, माइलिन शीट को कौन बनाता है? कौन बनाता है बेटा माइलिन शीट को? द माइलिन शीट ड्राइव फ्रॉम विच, अभी पीछे बताया था माइलिन शीट कौन से किससे बनती है। चलो मैं फिगर दिखा देता हूँ तुम्हें, माइलिन शीट, ये माइलिन शीट, ये रही माइलिन शीट, सिंधा माइलिन शीट, कौन बनाता है माइलिन शीट को? वेरी गुड, स्वान सेल बनाते हैं, बिल्कुल ये बताया था मैंने, माइलिन शीट इज डेराइव्ड फ्रॉम द स्वान सेल। नेक्स्ट, निसल्स ग्रैनुल्स आर फाउंड इन, निसल्स ग्रैनुल कहाँ पाए जाते हैं? निसल्स ग्रैनुल्स आर फाउंड इन, ये वेरी गुड, नर्व सेल, और नर्व सेल में भी कहां पर पाए जाते हैं? डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी, ये दो जगह। वैसे नर्व सेल के सेल बॉडी को साइटॉन भी कहते हैं, इसको साइटॉन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज डिसीज ऑफ द माइलिन शीट, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, माइलिन शीट से कौन सी डिसीज होती है ना, अगर माइलिन शीट जो है वो नष्ट होने लग जाए तो कौन सी डिसीज होती है? चलो तुक्का मारो, तो ये कौन सी होती है बेटा? ये होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कौन सी होती है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक मोस्ट कॉमन है ना डीमाइलिनेटेड डिसीज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है अटैक कर देता है माइलिन शीट पर, है ना, जो कि उसे मेंटेन करते हैं, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, वो स्वान सेल जो माइलिन शीट को बनाती है ना, वो स्वान सेल को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है ना, अटैक कर देता है उस पर और वो नष्ट हो जाती है ना। ठीक है, ठीक है भाई, तो जी याद रखना, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, इट इज नॉन एज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है, जैसे इम्पेयर्ड मेमोरी हो जाती है ना, फटीग, थकावट रहती है, विजन प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, और चलने में दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कतें इससे इससे जो है पैदा हो जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट, ए नर्व इम्पल्स जंप्स फ्रॉम वन टू अनादर ड्यूरिंग द सैचुरेटेड कंडीशन, है ना, एक नर्व इम्पल्स जो है एक से दूसरे उसमें कूदते हैं, कहाँ पे?
साइनेप्स में, कहाँ पर? साइनेप्स में, फिर साइनेप्स में जाते हैं नर्व इंपल्स, फिर दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम रिसर्च ऑन नर्व सेल वॉज कैरीड आउट ऑन द अर्थ। सबसे पहले किस किस ऑर्गेनिज्म पे है ना रिसर्च किया गया था, है ना? तो बताना है इसको। बताओ। तो किस पे किया था, गया था गैंट स्क्विड पे। किस पे किया गया था? गैंट स्क्विड पे। किस पे किया गया था बेटा? गैंट स्क्विड पे। ठीक है, नेक्स्ट, आउटर मोस्ट पेनियल अपेंडिज। आउटर मोस्ट पेनियल अपेंडिज कौन सा है? विच इज द आउटर मोस्ट पेनियल अपेंडिज, है ना? हमारा जो क्रेनियल पार्ट है उसका सबसे बाहरी हिस्सा जो है वो कौन सा है बेटा? ड्यूरा मैटर, है ना? क्योंकि जो मीनिंग्स होती हैं, ये पढ़ाया था हमने वीडियो के स्टार्टिंग, मीनिंग्स का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वो ड्यूरा मैटर है, बीच में जो है आर्कनॉइड है, और सबसे नीचे जो है वो पाया मैटर होता है। तो सबसे ऊपर जो है वो ड्यूरा मैटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पेरियन मिलिंग्स इज क्लोज प्रॉक्सिमेटली टू द ब्रेन टिश्यू। जो पेरियन मिलिंग्स होती हैं, जो पेरियन मिलिंग्स होती हैं वो किसके ज्यादा, किस ब्रेन टिश्यू के सबसे करीब होती है? ना? तो जो मीनिंग्स हैं बेटा वो तीन लेयर्स में डिवाइडेड हैं, डी ए पी, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड, पाया मैटर। इसके बाद आपका ब्रेन स्टार्ट होता है, तो ब्रेन जो सबसे करीब किसके है? पाया मैटर के। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पाया मैटर के सबसे करीब है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में लेकर चलता हूँ, ये देखो ये मीनिंग्स है। तो सबसे ऊपर स्किन होती है, इस स्किन पे बाल होते हैं, फिर पीरियोसेटम। पीरियोसेटम जो है, देखो कोई भी जो हड्डी है ना, हड्डी के ऊपर वाली कवरिंग को पीरियोसेटम कहते हैं, अपर लेयर ऑफ द ब्रेन, है ना? तो स्किन, स्किन के नीचे हड्डी, हड्डी के ऊपर वाली कवरिंग को पीरियोसेटम, जो चाहे वो शरीर की कोई भी हड्डी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेन की। फिर इस मतलब इस खोपड़ी, ये है खोपड़ी एक तरह से, स्कल है। इस खोपड़ी के बाद हमारा स्टार्ट होता है मीनिंग्स। मीनिंग्स जो है वो तीन लेयर्स में डिवाइड है, कौन कौन सा? ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड और पायामैटर। ये तीन लेयर्स में जो है मीनिंग जो है डिवाइडेड है, तीन लेयर्स में डिवाइडेड है, ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड और पायामैटर। और पायामैटर के बाद हमारा ब्रेन स्टार्ट होता है। हमारा क्या स्टार्ट होता है? ब्रेन, है ना? और इनके बीच में जो जगह होती है उसे सब आर्कनोइड स्पेस कहते हैं, और मीनिंग्स के बीच में एक फ्लूड भरा होता है, मतलब इन तीनों लेयर्स के बीच में फ्लूड होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीएसएफ या फिर क्या कहते हैं, या कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। ठीक है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी वीडियो। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पायामेटर, क्योंकि ब्रेन के सबसे पास वाली लेयर जो होती है वो पायामेटर होती है। नेक्स्ट, दिस पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन किसको कहते हैं? आंसर भी यहाँ पे दे ही रखा है। तो जो लिम्बिक सिस्टम है, जो लिम्बिक सिस्टम है, इट इज नॉन एज द इमोशनल ब्रेन, इसे इमोशनल ब्रेन कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम इज द सेट ऑफ स्ट्रक्चर इन द ब्रेन दैट डील्स विद इमोशंस एंड मेमोरी। इट रेगुलेट्स द ऑटोनॉमिक एंड और एंडोग्राइन फंक्शन रेस्पॉन्स टू द इमोशंस राइट, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रेनफोर्सिंग बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट, इन ह्यूमंस अल्जाइमर डिजीज इज लिंक्ड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। जो अल्जाइमर डिजीज होता है वो किससे संबंधित है, किसकी कमी की वजह से होता है? बताओ भाई।
अल्जाइमर में क्या होता है? अल्जाइमर में बेटा क्या होता है? बेटा भूलने की बीमारी होती है, अभी बताया था। अल्जाइमर तो वैसे ही पता होता है, इसमें क्या होती है बेटा? भूलने की बीमारी होती है, भूलने की बीमारी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो आपको ये देखना है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है जो लर्निंग न्यूरोट्रांसमीटर, जो याद करने के लिए यूज होता है, अभी पीछे पढ़ाया भी है ना, जो लर्निंग न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो याद करने के लिए होता है? ए, बिल्कुल सही, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अरमान क्या हाल है बेटा? एमडी अरमान कैसे हो? इन इंजरी सस्टेन्ड बाय द हाइपोथैलेमस इज मोस्ट लाइकली टू इंटरप्ट, है जब इंजरी होती है बेटा, जब कोई इंजरी होती है ना, तो हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस का देखो हमारे शरीर में काम क्या है, ये हमारे शरीर में कई काम करता है, जैसे जैसे फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, फीलिंग ऑफ, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन की भावना देता है, हमें है ना, भूख प्यास लगना, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये जो काम है बेटा वो कौन करता है? वो हाइपोथैलेमस करता है। इसके बाद ये काम हाइपोथैलेमस का और काम है ना, बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एक तरह से, है ना, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है रेगुलेट करने का काम कौन है? हाइपोथैलेमस। तो जब हमें कभी भी इंजरी होती है तो हमें बुखार वगैरह चढ़ जाता है, हमें बुखार चढ़ जाता है, तो वो काम तो उसका है बेटा हाइपोथैलेमस का है ना, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इट इज द सी आंसर, नॉट ए, इट इज द सी। कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन जो है बेटा, ये कौन कराता है? ये कराता है हमारा सेरिबेलम, ये कौन कराता है बेटा? सेरिबेलम कराता है, याद रखना। ठीक है, ये देख लो ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इन द लेफ्ट हेमिस्फेयर ब्रोका एरिया इज रिलेटेड, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है ना, जो जो आपका बायां दिमाग है, जो ब्रोका एरिया होता है उसमें, बायां दिमाग में क्या होता है बेटा? ब्रोका एरिया होता है। तो किससे संबंधित होता है ब्रोका एरिया? इज रिलेटेड टू विच, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? बताओ भाई, क्या करता है? इट इज रिलेटेड टू द स्पीच, रिलेटेड टू द स्पीच। होता क्या है, ब्रोका एरिया जो है वो फ्रंटल लोब में होता है। कौन से लोब में होता है बेटा? फ्रंटल लोब में होता है, ठीक है, और लेफ्ट में होता है। इसका जो फंक्शन है वो स्पीच प्रोडक्शन है, हम जो बोल पा रहे हैं, जैसे मैं बोल के आपको पढ़ा, तो स्पीच प्रोडक्शन इसका जो है वो फंक्शन है। कहाँ गया ब्रोका एरिया? ब्रोका एरिया काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। ये फ्रंटल लोब है सारा का सारा, ठीक है। अच्छा, कई सारे एरिया होते हैं, जैसे एक और एरिया जो इम्पोर्टेंट है, रिंकल्स एरिया। रिंकल्स एरिया भी जो है वो स्पीच को अंडरस्टैंड करता है ना, रिंकल्स एरिया जो है बेटा वो स्पीच को अंडरस्टैंड करता है। स्पीच को क्या करता है बेटा? वो अंडरस्टैंड करता है, समझता है। रिंकल्स एरिया जो है स्पीच को अंडरस्टैंड करता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द पोटेंशियल वाइल प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, है ना। तो खैर ये थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन हो गया। तो जो एक्शन पोटेंशियल होता है नर्व इम्पल्स का, वो किसके मूवमेंट की वजह से होता है? कौन से आयंस की मूवमेंट? चलो किसी को अगर पता है तो बता सकता है।
चलो तो मैं ही बता देता हूँ, इट इज फ्रॉम द इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लू, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है चलो नेक्स्ट। साइनेप्टिक वेसल इन न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन डिस्चार्ज, जो साइनेप्टिक वेसल्स होते हैं न्यूरो ट्रांसमिट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में, वो क्या डिस्चार्ज करते हैं? ज्यादातर वो एसिटाइल कोलिन डिस्चार्ज करते हैं। एसिटाइल कोलिन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एज अ स्टिमुलेंट ऑफ द सी एन एस, कोकेन इंटरफेस विद द री अपटेक ऑफ एट साइनेप्सिस, है ना? तो जो हम जब कोई भी बंदा कोकेन लेता है तो उसके उससे कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर है शरीर में निकलता है, शरीर में जो है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, बताओ भाई। देखो जब हम जब कोई भी बंदा बेटा कोकेन खाता है, वेरी गुड, तो डोपामिन 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 एक जो है वो प्लेजर देता है, खुशी देता है। तो देखो कोई भी बंदा ड्रग जब ही खाएगा, जब उसे खुशी मिलेगी तो ड्रग्स क्यों खाएगा, तो ड्रग्स वो क्यों खाएगा जब उसे खुशी मिलेगी, तो वो जब कोकेन कोई खाता है तो डोपामिन। ठीक है, विद द नर्व्स आर अटैच टू द ब्रेन इमर्ज फ्रॉम स्किन, स्कल, जो नर्व ब्रेन से अटैच रहता है, इस खोपड़ी से निकलता है, ब्रेनियल नर्व्स कहलाते हैं। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, बस क्लास भी खत्म होने वाली है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस रिफ्लेक्स सेक्शन विच इन्वॉल्व ब्रेन आर कॉल्ड, जो रिफ्लेक्स सेक्शन ब्रेन में इन्वॉल्व रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो है कहाँ से निकलता है? मेडुला से। कहाँ से निकलता है बेटा? मेडुला से निकलता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और अगर आपको एनडी एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी का सब्सक्रिप्शन लेना है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप ले सकते हैं यूजिंग दिस कोड GS01। बेटा अगर इस कोड का आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है ना, 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस पर, अन अकेडमी प्लस की फीस पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक। जैसे 2 साल की जो फीस है वो आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद 9,504 रुपये है, 1 साल की जो फीस है 7,920 रुपये है, तो इसको आप ले सकते हैं। और GS01 इस कोड को आप यूज करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सबको उसका फायदा मिल सके। ठीक है भाई, तो नाउ थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने यूजफुल यूट्यूब कमेंट जरूर दें बेटा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, है ना? तो ये चीजें आप कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है भाई, प्रतीक्षा गुड नाइट, सुबह 8 बजे जगोगे कि नहीं? 8 बजे की क्लास रख दूं सुबह? आप लोग के बैच में आज बोला था ना मैंने, चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो रख देता हूँ मैं, सुबह 8 बजे की क्लास है। ठीक है बेटा, तो चलो फिर, ठीक है तो चलो बेटा, मिलते हैं आपसे सुबह 8 बजे। 8 बजे बेटा मेरी स्पेशल क्लास है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर, स्पेशल क्लास है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर, तो आप जो मेरी प्रोफाइल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर ज्वाइन करें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू एंड जय हिंद।
जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में आपसे, ठीक है? चलो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, और इतनी रात तक पढ़ने के लिए बहुत ही आप लोगों का शुक्रिया। खैर, और इस तरह से मेहनत करते रहो बेटा और चीजों को पढ़ते रहो, समझते रहो, ठीक है? इट इज वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है? चलो बेटा, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे आप लोगों से।